दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो बेबी ने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस करा था कि हम लोग लेकर आने वाले हैं आपके लिए कार का व्लॉग, और हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तो भैया आज क्या प्रॉमिस था हमारा, वैसे गाड़ी का फुल डिटेल, हम गाड़ी का व्लॉग लाएंगे और आज फुल डिटेल्ड वीडियो हम आपको सब बता देंगे कि हमारे ब्रीजा में क्या मिलेगा, क्या क्या है, क्या क्या मिला है और हमने एक्स्ट्रा कंपनी से क्या लिया है। ठीक है जी, तो आओ चलते हैं हम बाहर और बाहर से शुरू करते हैं हमारी कंपनी गाड़ी ने डिटेल्ड वीडियो। हाँ, कि ब्रीजा में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्या लिया है और क्या कंपनी ने दिया है जबरदस्ती, और फिर आप हमें बताना कि हमारा VXI लेना वर्थ रहा था या नहीं। हम आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि अभी तक हमें क्या क्या इसमें अच्छा लगा है और क्या क्या थोड़ी बहुत जो दिक्कत है। हाँ, वो भी बिल्कुल ऑनेस्ट आपको सारा डिटेल मिलने वाला है। इसके बाद आप इजिली खुद जज कर पाओगे कि आपको VXI लेना है, LXI लेना है या फिर ZXI लेना है, या ब्रीजा लेनी भी है कि नहीं लेनी। हाँ, ब्रीजा लेनी भी है कि नहीं लेनी, वो भी थोड़ा बहुत बता देंगे जो पीछे बैठे हुए हैं। वो हमारे ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं है। उनको छोटी गाड़ी हो, स्कूटर हो, स्कूटी या बुलेट हो, हर किसी पे जाना तैयार है। वो बैटरी रिक्शा पे भी जाता है, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाहर से फटाफट। चल तो भाई शुरू करेंगे हम पीछे से। जैसे कि सारे लोग कहते हैं कि इसका जो लुक है जो मिनी रेंज रोवर की तरह है, तो आप लोग बताओ मिनी रेंज रोवर की तरह है या फिर मैंने एक गाड़ी देखी है जीप कंपास, मुझे तो इसकी जो बैक की लाइट है ना उसकी तरह लगती है। बाकी सबसे पहले पीछे देखें तो सिंपल सा प्यारा सा ही लोगो मिलता है सुजुकी का, साथ में ब्रीजा की यहाँ पे ब्रीजिंग मिल जाती है, क्या बोलते हैं इसको बता देना, लोगो मिलता है छोटा सा बैजिंग, और नीचे ये आपके डिफोकर्स वगैरह दिए हुए हैं और साथ ही में इसकी जो लाइट आई है LED लाइट, माय गॉड रात को तो मजा ही आता है इसको देख के। और साथ में ऊपर देखोगे तो ये भी दिया हुआ है और शार्पिंग एंटीना दिया हुआ है इसके अंदर। तो छोटी चीजें हैं जो इस गाड़ी में हमें दी गई कंपनी की तरफ से। बाकी स्मार्ट हाइब्रिडिंग की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और साथ में एक चीज दिखाऊं मैं आपको, तो इसका बूट स्पेड तो दिखाऊं ना इसके अंदर को, कहाँ से खुलता है यहाँ से। तो ये इसका कुछ बूट स्पेस है, इसके अंदर हम एक आदमी आराम से फिट कर सकते हैं। मेरा सीन देखो, ये हेड चढ़ गया। मेरा सीन यहाँ पे आराम से फिट हो गया। अब ये आगे भी जाएगा, पीछे जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो कुछ ये लो, आगे भी चला गया। तो कुछ इसके अंदर जो मिलता है हमको, कंपनी कहती है 228 लीटर का बूट स्पेस है ये। लेकिन इस पीछे ना एक चीज बेकार दे रखी है। अब एक चीज बताओ, रात है, ठीक है, रात में हम कभी जा रहे हैं बाहर, कहीं लाइट ना हो, खंभे ना हो, तो इसके अंदर ना डिक्की में कोई भी बूट स्पेस में कोई भी एक लाइट नहीं दे रखी। हम बाहर आ रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना टॉर्च जलाना है, उसके बाद हम सामान निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सीनू डार्लिंग की देख सकते हो मस्त पोजीशन है। तो इसके बाद हम चलेंगे आगे, आगे क्या मिलता है हमें, तो ये हम आगे देखें तो साइड में हमें जो नॉर्मल सा सीन मिलता है, ये जो इसकी तो ब्लैक दिख रहा है आपको, ब्लैक इसको क्या बोलते हैं, क्लाइडिंग बोलते हैं आई थिंक, ये चीज़ है। पहले से काफ़ी चौड़ी कर दी है, हसिया चौड़ी कर दी है पहले से, तो थोड़ी इस, लेकिन इस कलर के हिसाब से मैच कर जाती है, ऊपर ये ब्लैक और नीचे ब्लैक। बाकी अगर आप व्हाइट कलर देखो या कोई और कलर देखो तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ ज़्यादा डार्क स्पॉट है इसके अंदर। और तो साइड में देखो, इसके बाद हमें मिलते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक ORVM, लेकिन बटन से हैं, बंद करते ही गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी बंद है मेरी, लेकिन बटन दबाऊंगा तो ये बंद होंगे। इसके बाद हमें मिलते हैं इसके अंदर आगे फ्रंट में हैलोजन लैंप, लेकिन हाँ इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद सबसे पहले देखो आगे भी एक बढ़िया सी खूबसूरत सी बैजिंग मिल जाती है ब्रीजा की, ये थोड़ा सा सिल्वर क्रोम दिया गया है, ठीक है, साथ में ये ब्लैक, तो कुछ इस तरह की इसके अंदर फ्रंट से लुक है इसका। अगर देखा जाए तो कई गाड़ियां हैं जैसे नेक्सोन है, वेन्यू है, और भी दो तीन गाड़ियां हैं, लेकिन देखने में थोड़ी बॉक्सी लगती है और मज़ा आता है देख कर। अंदर बैठे हो ना तो कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आप मिनी SUV चला रहे हो या कॉम्पैक्ट SUV चला रहे हो, हर कोई यही बोलेगा कि हाँ भाई SUV है। इस गाड़ी कंपनी ने एक चीज़ बेकार नहीं दे रखी, जो कि इसके अंदर नीचे सीधा ऊपर से नीचे जाओ, ये देखो ये तो देना चाहिए फॉग लैंप यार, बाहर से लगाओ 5000 रुपये खर्चा है। यहाँ नहीं दे रखा, खाली है यहाँ पे फॉग लैंप आते हैं और थोड़ी क्रोमिंग आ जाती है इसके अंदर। इसके बाद हम चले अंदर, तो इसमें एक अच्छी चीज़ भी है और कुछ चीज़ें अच्छी ही हैं फिलहाल तो LXI से। पहले जो पुरानी वाली VXI उसके अंदर यहाँ पे सेंसर बटन आता था, ठीक है, आपके हाथ में रिमोट है, खोला और अंदर चला गया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब चाबी से लगाओ। अगर VXI है LXI है तो उसके अंदर तो आपको चाबी घुसेड़नी पड़ेगी,
एक साइड में घुसनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का अंदर इंटीरियर है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर का। देखो जी, देखने में तो काफ़ी सुंदर है, पुरानी वाले से काफ़ी सेक्सी है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो पूरे ही इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ये जो अपना बटन है ऑटोमेटिक है, ऑटो फोल्डेबल है, एक टच नीचे एक बार में ऊपर। तो यहाँ पे अपना ORVM सेट करने के लिए लेफ्ट राइट का ऑप्शन है, यहीं बैठे बैठे कर सकते हो आराम से। और कुछ बोटल हैंडल का से यहाँ भी मिल जाता है, बोटल रखने के लिए 1 लीटर का वहाँ भी मिल जाता है, पीछे भी मिल जाता है। तो इसके अंदर आप रख सकते हो अपना बोटल मान लो या छाता रख लो अपना बारिश के टाइम पे। और अंदर आओगे तो सबसे पहले चीज़ सीट तो अच्छी ही है, मेन चीज़ गाड़ी के अंदर। अरे सीनू सेट कहीं भी चले जाते हो आप, या मालिक जी पहले चले जाते हैं, इनको पहले जाना है। तो इसके अंदर भाई ये चीज़ देखो, सीट हाइट एडजस्टेबल भी है और आगे पीछे दोनों चीज़ है। अगर कोई हमारे घर में छोटा हाइट का बंदा है तो वो भी गाड़ी ले सकता है, चला सकता है। मुझे तो ऊंची गाड़ी पसंद है तो मैं अपने हिसाब से गाड़ी ऊंची रखता हूँ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर तो अंदर से कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखिए इसे थोड़ा सा, हाँ कुछ ये लुक आता है इसके अंदर। तो इस VXI के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है इसके अंदर कंट्रोल, जिसमें वॉइस कंट्रोल है, यहाँ पे कॉल उठाने का, काटने का, बोलने का, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और लेकिन इसमें ये एक सेकंड पकड़ना, इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ है, ये ऊपर नीचे करने का इसमें ऑप्शन मिलता है, लेकिन आगे पीछे का नहीं है, स्टेरिंग का। स्टेरिंग का तो ये भी इसके अंदर जो भी है ठीक है। अब इसके बाद मैं दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको मीटर मिल जाता है देखने को। ये आपका RPM का है और ये आपका स्पीड का, और कुछ फ्यूल का इसके अंदर सामने देखने को मिलता है। रात में काफ़ी अच्छा कलर ऑप्शन है इसका, इसमें आपका किलोमीटर का है, कितने एवरेज चल रही, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस साइड से। और इस तरफ से देखोगे आप तो एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, सारी चीज़ें वो यहाँ से आप देख सकते हो, रेंज अपनी सेट कर सकते हो आप। तो फिलहाल तो मुझे गाड़ी अपनी 11.5 की एवरेज दे रही है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है VXI के अंदर ये, छोटा है लेकिन सेक्सी है। और ये आपको LXI में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, एक अपग्रेडेड फीचर है जो LXI में बिल्कुल डब्बा मिलता है, खाली मिलेगा, कोई भी चीज नहीं मिलती। और ये जो सिल्वर क्रोम देख रहे हो आप, ये भी नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है ना ही। मेन चीज ये लुक देखो इसका यार, ऐसे बटन वहाँ यहाँ लट्टू मिलते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा अपने हिसाब से ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट मिल जाता है इसके अंदर। तो अगर मान लो हम बाहर से आ रहे हैं तो अपने आप ऑटो क्लिक कर दो, गाड़ी ठंडी हो जाएगी मजेदार। और साथ में ही यहाँ पे अपना कुछ इस तरीके का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। स्पेस यहाँ पे भी काफी अच्छा है, यहाँ पे एक USB का सॉकेट दे रखा है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है चार्जिंग के लिए। कुछ इस तरीके का स्पेस यहाँ पे है, लेकिन एक चीज मिसिंग है जो कि यहाँ पे आर्मरेस्ट देख रहे हो, फोरआर्म्स देख रहे हो, ये मिसिंग है। तो ये चीजें थी कुछ आगे इसके अंदर। और दिखाऊं तो मैं चलता हूँ बैक सीट पे, पहले बस को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, एक सेकेंड। तो ये मेरी सिटिंग पोजीशन है यहाँ पे, अब पीछे दिखाता हूँ कितना स्पेस है। तो पीछे इसमें जो स्पेस है, वन सेकेंड, गाड़ी लॉक थी आगे से, पीछे कुछ इस तरीके का स्पेस है इसके अंदर। अब देखो मैं इसके अंदर बैठ गया भाई, बैठने के बाद भी इसके अंदर लैग रूम जो है ना, ये देखो कितना है, कुछ कितना बताऊं समझ नहीं आ रहा, 4 उंगली, 5-6 उंगली, मतलब कितना भी कह लो, आलती पालती मार लो, बढ़िया से आराम से बैठ सकते हो इसके अंदर। 6 फुट वाला बैठ सकता है आराम से, 5-8.5 तो हाइट मेरी है, 6-6.5-7 फुट का बंदा भी आराम से बैठ सकता है इसके अंदर। और अंदर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है इसका, मतलब थकान नहीं होगी। और सबसे मेन चीज क्या है ना VXI में, ये देखो ये सीनू मेन चीज तो नहीं है, ये हेडरेस्ट, इसके अंदर आपको हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है और LXI के अंदर नहीं मिलता है। इसमें कुछ बटन होता है लगाने का, दबाया और अंदर गाड़ी, ये देखो मजेदार, हमारा सीनू भी सरक के सो जाता है इसके ऊपर। और इसके अंदर भी पीछे डोर हैंडल में ये दे रखा है, एक तो मेन चीज ऑटो, ये शीशा ऊपर नीचे करने के लिए, साथ में यहाँ भी एक बोतल का सिस्टम मिल जाता है। और इस साइड भी बोतल रख सकते हो आप, मतलब ये देखो काफी चीजें गाड़ी के अंदर है। इसमें म्यूजिक सिस्टम यहाँ भी है, ये चीज म्यूजिक के लिए स्पीकर दे रखे हैं। और पीछे से कुछ इस तरीके का इंटीरियर आता है, बेबी लव यू, कुछ इस तरीके का पीछे से देखने को लुक मिलता है जो काफी प्रीमियम और अच्छा लगता है देखने में।
और कंफर्ट में तो ये गाड़ी मतलब 10/10 है हमारी तरफ से, तो हमें एक महीने से ऊपर हो गया यूज करते हुए। इसमें आगे भी लेट जाओ, पीछे भी लेट जाओ, डिग्गी में भी लेट जाओ। इसके अंदर एक चीज और, हाँ बिल्कुल मजेदार गाड़ी है। और अंत में एक टूर भी करके आ चुका हूँ उस गाड़ी में, तो बिल्कुल भी थकान नहीं होती चलाने में, जो भी चलाएगा मजे चलाएगा। और इसके अंदर कुछ इस तरीके की हैलोजन लाइट देखने को मिलती है, ये देखो। और रात को चाहे तो उसको मैं बटन इसको बदलवा सकते हो, अपना व्हाइट करा सकते हो। यहाँ पे कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं मिलता। और ये फ्रंट में इसे नीचे करना है, पर पैसेंजर साइज में मिरर भी है, एक मिनी वैनिटी की तरह। मिनी वैनिटी, इसमें अपना चाहो तो देखो शीशे में दिख रही है ना मैं डार्लिंग। हाँ, इसके अंदर ये मतलब ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, बिकॉज वी कैन चेक आवर लिपस्टिक टाइम टू टाइम, एज यू नो गर्ल्स के लिए लिपस्टिक मैंडेटरी होती है। और मेन चीज क्या है इस गाड़ी के अंदर की बताऊं, ये एसी वेंट पीछे, हालांकि एसी का नहीं है ये भाई, है एक एसी, अलग से एसी नहीं चलता इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा है कि कूलिंग जल्दी इसी के थ्रू भी होती है। पहले वहां से भी आता था जल्दी, अब इसके थ्रू भी हवा यहाँ से भी आती है। और अगर आपके घर में दोस्तों हमारी तरह एक सेठ जी रहते हैं तो ये बहुत काम आता है, क्योंकि जब इसको ज्यादा गर्मी लगती है, अब देखो ये इस तरफ आने लग गया धीरे धीरे, ये यहाँ पे अपनी पूरी गर्दन लगा के इसको ब्लॉक करके लेट जाता है। तो हमारे लिए नहीं, हमारे पेट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है ना बेटा। बिल्कुल, गाड़ी के हमारे जितने भी ब्लॉक्स आए आप सारे चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सब में सेठ जी हमारे साथ आते हैं, उनको इतना मजा आता है और ये रुकते नहीं। बिल्कुल, और इसकी जो पीछे की सीट है ये पूरी फोल्ड हो जाती है, 60-40 तो नहीं है लेकिन ये पूरी की पूरी नीचे आ जाती है, जैसे कि पीछे का स्पेस अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो पूरा का पूरा स्पेस भी काफी आ जाता है और पीछे हम आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे इसके अंदर सेंसर दिए गए हैं, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो छोटा सा सेंसर है, ये दोनों साइड सेंसर है, बैक साइड में, फ्रंट में कोई सेंसर नहीं है, लेकिन ये चीज थी इसकी जो अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे सीट पर चल के क्या इसके अंदर बेकार है और क्या अच्छा है, दो चार टॉपिक मैं बताऊंगा और कुछ चीजें मेरी वाइफ बताएगी। भाई हम आगे आगे क्यों बेबी। हाँ, और हमने आपको इसके सारे बेसिक फीचर्स तो बता दिए, बेबी ने बहुत वेल डन। अगर कुछ छूट गया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, पहली बार बना रहा हूँ ऐसी वीडियो यार, क्योंकि अपने को इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैसे ही बोलता कम हूँ, मुझे नहीं बोला जाता कैमरे के आगे, यही बोलती है जो भी बोलती है। हाँ, मैं खाने की वीडियो बहुत अच्छी बनाता हूँ, बड़ा मजा आता है। ये व्लॉग में कम बोलते हैं, दिस थिंग आई एक्सेप्ट, पर ये बोलते कम है, ये बिल्कुल कत्ता ही सच नहीं है, क्या बहुत ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा शर्म आता है। एक काम करो, अगर इतनी दूर तक आपने वीडियो देखी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी वीडियो को लाइक करो, लाइक करके कमेंट जरूर करना, और ये नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइबर है ना, इसको दबाओ, इससे थोड़ा मोटिवेट होता है कि हाँ भाई वीडियो बनानी है। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करो तो कौन करेगा, क्यों बेबी। यस, तो आप लोग डेफिनेटली बताना, बेबी ने फर्स्ट टाइम ऐसे रिव्यू दिया अच्छे से बोल के, तो कैसा कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे बताना। और कुछ प्रोन है जो अच्छे हैं इसके अंदर, कुछ बगैर चीज बुरी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, और ये साथ में ये भी बताएंगी, तो मैडम पहले आप बताओ। हाँ, मैं बताने वाली हूँ सबसे पहले आपको कि मतलब सबका एक क्वेश्चन हमसे जो पर्सनली रहता है कि आपने 1.5 लाख का डिफरेंस होने के बाद LXi क्यों नहीं ली, VXi क्यों ली। तो कुछ तो बेसिक फीचर्स हैं जो हमें LXi में नहीं मिल रहे थे, और थोड़ा एक दो प्रीमियम फीचर्स भी है कि VXi थोड़ी सी प्रीमियम लगती है, आप माने ना माने। वो मैं बताता हूँ कैसे, बताऊँ बेबी। बिल्कुल बताऊँ क्या, अरे बिल्कुल बता देंगे। अरे बोल लो, आज तुम्हारा टाइम है, बोलो। तो इसके अंदर देखो LXi में हम गए थे देखने, LXi पसंद थी हमें भी, तो जो सबको पसंद है हमें पसंद है, LXi लेंगे, सस्ती है 1.5 लाख रूपये, बाहर से कुछ पैसा लगाएंगे और गाड़ी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन देखो LXi ना लेने का रीजन एक और था, उसके अंदर जब मैं आया ना तो गाड़ी देखी मैंने, तो गाड़ी के अंदर जो ये सिस्टम दिख रहा है म्यूजिक सिस्टम, ये तो फॉल इसके अंदर गाड़ी लेने का मतलब मेरा ये था, सबसे मेन प्रीमियम चीज ये जिसके अंदर यहाँ लट्टू दिए होते, पहला मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए थी, चाहे मैं ZXi लेता चाहे VXi चाहे LXi, मुझे ये चीज अगर LXi में दी होती LXi लेता, चाहे उसके लिए मुझे कितनी वेटिंग करनी पड़ती। और दूसरी चीज म्यूजिक सिस्टम, थर्ड चीज कंट्रोल्स, ठीक है, तो कुछ ये चीजें थी जिसकी वजह से। और म्यूजिक सिस्टम देखो कंपनी का तो कंपनी का होता है, ठीक है ना, तो भैया लगवाने के तो म्यूजिक सिस्टम बाहर से भी लगवा सकते हो, हाँ बहुत अच्छा भी लगवा सकते हैं, बहुत तबाही वाला म्यूजिक सिस्टम भी, धूम धूम धूम, पर ये ठीक है। हाँ, हमें जो पसंद है ना नॉर्मल, एक फैमिली वाला बंदा कि हाँ जा रहे हैं तो गाने बज रहे हैं गाड़ी में तो इंजॉय कर सके, बिकॉज यू नो अभी मुझे भी थोड़ा सा हाई म्यूजिक मतलब बहुत ज्यादा पसंद है हाई म्यूजिक सुनना, पर डॉक्टर ने अभी मना कर रखा है, तो ये म्यूजिक सिस्टम हमारे लिए अच्छा है, एक इनफ है, हम बहुत तेज चलाए तो भी इनफ है, बेस भी अच्छा है, काफी चीज अच्छी है, ठीक है। मैं कॉपीराइट आ जाएगा तो आपको चला के दिखाता। और ये जो लट्टू वो 10 लाख की गाड़ी को 5 लाख में करने के लिए, देखो यार अगर आप हाँ अगर आप 9 लाख रुपए में वो भी ले रहे हो, 9 लाख के अंदर भी अगर आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिल रहा है तो मजे ना नहीं है, तो हमने 1.5 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा दिए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो वर्थ है। हाँ, थोड़ी सी महंगी लगी,
थोड़ी सी महंगी लगी। कई लोगों ने मुझे बोला कि ZX से ले, लेकिन ZX में सनरूफ आ रहा है, सनरूफ और एक दो चीजों के लिए छोटी सनरूफ है, एक दो सनरूफ का मुझे उतना यूज नहीं है कि हमें 1.5 लाख रुपए और देंगे सनरूफ लूं। ठीक है, सनरूफ लगवाना होगा तो बाहर से लगवा लेंगे, थोड़ा पहना पूरा का पूरा वो बड़ा वाला आ रहा ना ग्रैंड विटारा में वो लगवा लेंगे, फिर लगवाने दे तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, मजेदार हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं है। बाकी गाड़ी के अंदर कुछ यही चीजें थी जो हमें अच्छी लगी बुरी लगी, और हाँ एक दो तो चीजें और हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे गाड़ी में क्या पसंद आया क्या नहीं आया, है ना। अब इसके अंदर कई लोग हैं, एक चीज मैं बताऊंगा भी, कई लोग हैं कहते हैं कि ZX में अलॉय व्हील्स आते हैं। यार अलॉय व्हील्स लगवा रहे हो तो कंपनी के लगवाओ, बाहर से ही लगवाने हैं ना, तो ZX के अभी मुझे अलॉय पसंद है, ब्लैक ब्लैक अलॉय दे रखा है तो वो फीलिंग नहीं है, तो बाहर से लगवा रखे आई लव मजा आ गया। अलॉय वाला व्लॉग आई होप आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा और पॉपुलर व्लॉग चल रहा है। और दोस्तों अगर आपको भी हमसे कोई क्वेरी हो गाड़ी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कि हमने इसमें क्या अपग्रेड करवाया है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है इनके थोड़ा सा भी डिले हो रहा है तो आप इनके इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब से बहुत से बंदे इंस्टाग्राम पे भी आकर हमसे क्वेरी कर रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम की आईडी डाल दूंगा अपने भी और इनके भी, हम दोनों को फॉलो कीजिए और जरूर कीजिए यार। और हाँ DM करके आप एनी टाइम हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत बॉडी की टिप्स चाहिए तो मेरी आईडी पे मिलेगी। हाँ, दिखा लो कर लो चाहे दिखा लो तुम दिखा लो देख लो दोस्तों। अगर कान्हा जी के लिए कोई टिप्स चाहिए तो इनकी इनसे मिलेगी, ठीक है जी। और अगर भोमो भोमो टिप्स चाहिए तो दोनों पे मिलेगी थोड़ी बहुत। सिन जी सेठ जी आ गया वो समझता है, कहता सारा ग्लैमर ले लेते हो मेरे को दिखा दो तुम लोग। तो कुछ छोटी सी वीडियो थी हमारी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए सपोर्ट करें। और आपको भी अगर इसमें कोई कमी लग रही हो तो हमें बताना, हम इसके कॉन्स के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, जो थोड़ी बहुत कमियां इसके अंदर हैं हमारी वो हम आपको एक डिफरेंट वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। प्रॉन्स हैं और क्या, हाँ प्रोस एंड कॉन्स को बिल्कुल सेपरेट करके उसमें हम आपको बता देंगे। अभी आपको इसकी डिटेल्स कैसी लगी कुछ अगर हमसे छूटा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और आई होप ऐसा गाड़ी तो हमारी बहुत अच्छी सबको लगी रही है और लगती रहेगी, तो इसीलिए अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, हमारे व्लॉग्स को हमारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को सब कुछ आप देखते रहिए। सुष्मिता राहुल राठौर हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी दशहरा हैप्पी दशहरा।